नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम भारतीय बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत यूनिट संख्या फोर्थ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर है मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग के अंदर हम टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट में मर्चेंट बैंक के कार्य, फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मर्चेंट बैंकिंग जो सेवाएं प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। इसी क्रम में हम आज मर्चेंट बैंक के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मर्चेंट बैंक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य अनेक प्रकार की संस्थाएं करती हैं, जिसमें अभिगोपन, अंडरराइटिंग और भी विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं। जिसमें हम बात करें मर्चेंट बैंक के कार्यों की, जिसमें प्रथम है सार्वजनिक निर्गमनों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इश्यूज, और दूसरा है अन्य कार्यों का। अब हम चर्चा करें सार्वजनिक निर्गमनों का प्रबंध के बारे में। तो सार्वजनिक निर्गमन के प्रबंध में हम जाने कि सार्वजनिक निर्गमों जो निर्गमन है उनके प्रबंधन के लिए मर्चेंट बैंक को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं, जिसमें हम प्रथम है प्रस्तावित निर्गमन के लिए सेबी से अनुमति प्रदान करना। इसमें सर्वप्रथम तो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अनुमति प्रदान करके ही सारे कार्यों को निष्पादन करने होते हैं। सेबी के तहत ही कार्यों को संपूर्ण रूप से निष्पादन किया जाता है, जो भी प्रस्तावित निर्गमन है। अभिगोपन की व्यवस्था, अंडरराइटिंग कमीशन्स जो हैं, अभिगोपन की व्यवस्था भी इसमें सार्वजनिक निर्गमन के प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। परिविवरण तैयार करना, प्रोस्पेक्टस तैयार करना है, अभिगोपकों अकेक्षणों स्कंद विनिमय कंपनी के रजिस्ट्रार से स्वीकृति प्रदान करना, अन्य प्रपत्रों को तैयार करना जिसमें आवेदन पत्र का प्रारूप, समाचार पत्रों में विज्ञापन की जाने वाली सामग्री आदि प्रमुख है, जिसमें विज्ञापन एजेंसी, दलाल, बैंकर आदि का चुनाव करना और उन्हें उनके भुगतान की जाने वाली फीस भी तय करना। विज्ञापन एजेंसी द्वारा विनियोक्ता कॉन्फ्रेंस, दलाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना और निर्गमन के सभी कार्यों के बीच में समन्वय स्थापित करना और विनियोक्ताओं से आवेदन प्राप्त करना, आवंटन की तैयारी करना, राशि एकत्रित करना और अंशों व ऋण पत्रों की राशि को भेजने से संबंधित कार्य इसमें सम्मिलित हैं। अब है अन्य कार्यों में, अदर फंक्शंस में पहला है प्रतिभूतियों का विपणन। प्रतिभूतियों का विपणन भी इसमें है, मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में, क्योंकि मर्चेंट बैंक निगमन प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों की गारंटी के आधार पर विपणन वितरण कार्य करते हैं। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अभिगोपन वितरण के दायित्वों को वहन करके विक्रय किया जाता है। मर्चेंट बैंक निगमों के प्रकार, शर्तें, समय, विनियोक्ताओं द्वारा स्वीकार होने आदि के विशेषज्ञ होते हैं। इसके अनुमान बाज़ार की दशाएं, प्राथमिकताओं और कंपनी की आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं, जिससे प्रतिभूतियों के विक्रय में ज़्यादा जोखिम नहीं रहती है। दूसरा है औद्योगिक इकाइयों को सुझाव देना। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको सजेशंस देने हैं। सजेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, मर्चेंट बैंक नई औद्योगिक इकाइयों को तकनीकी या अन्य सुझाव देने से संबंधित देते हैं। इन इकाइयों में स्थानीयकरण और सरकारी अनुमति, मशीनरी और तकनीकी ज्ञान, विदेशी सहयोग, विदेशी सहायता, प्रोजेक्ट निर्माण करने के लिए बाजार सर्वेक्षण और विनियोक्ता सर्वेक्षण, साध्यता रिपोर्ट,
बनाना आदि कार्य करने होते हैं, और भी इसके निम्नलिखित सुझाव हैं। दूसरा है विनियोग सलाहकार सेवाएं। विनियोग सलाहकार सेवाओं में भी ये प्राथमिक है। विनियोग सलाहकार सेवाओं में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस से संबंधित भी कार्य संपादित करने होते हैं। इसमें मर्चेंट बैंक ऐसे विनियोक्ताओं के लिए जो संयुक्त उपक्रम और विदेशी कंपनी में अपना धन विनियोजित करना चाहते हैं, विनियोगजन से पूर्व मुख्यतया अध्ययन करके सुझाव देने का कार्य करते हैं। मर्चेंट बैंक भी यह सुझाव देते हैं कि इसकी हिस्सेदारी इन संस्थाओं में किस प्रकार से होगी। विनियोक्ता सलाहकार सेवा प्रदान करके मर्चेंट बैंक और विनियोक्ताओं के हितों के लिए कदम उठाते हैं। ये कोषागार विपत्र, व्यापारिक बिल आदि के अल्पकालीन विनियोजन भी करते हैं। अगला है ऋण संगठन बनाना, फॉर्मेशन ऑफ लोन सिंडिकेट। ऋण संगठन बनाना, ऋण संगठन बनाने में मुख्यतया हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ लोन सिंडिकेट्स की, तो मर्चेंट बैंक मुद्रा बाज़ार पूंजी बाज़ार दोनों क्रियाओं के हिस्सा इसमें लेते हैं, क्योंकि ये बैंक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान करके कंपनियों की वित्तीय समस्याओं को समाधान करते हैं, उनका निराकरण करते हैं। कंपनियों के लिए कोषों की व्यवस्था करना, ऋण संगठन में सहायता दिलाते हैं। कंपनियों के लिए वित्त प्रबंधन के लिए आवेदन तैयार करना, ऋण की बातचीत करना, अल्पकालीन ऋणों के लिए ऋण संगठन बनाने पर जोर देना, वित्तीय संस्थानों और ऋण देने वाली कंपनियों के बीच में समझौता करने का भी कार्य करते हैं। अगला है परियोजना वित्त की व्यवस्था भी इसके कार्य हैं। कार्यों में परियोजना वित्त की व्यवस्था में अरेंजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस में परियोजना वित्त के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। जब एक बार किसी परियोजना तैयार करने या उसका विस्तार करने, उसका आधुनिकीकरण करने का निर्णय भी लिया जाता है, क्योंकि उसकी संपूर्ण वित्त व्यवस्था में मर्चेंट बैंक कराते हैं। इस संदर्भ में मर्चेंट बैंक एक समन्वयक के रूप में तकनीकी परामर्श देने वाली संस्था, वित्तीय संस्था और पक्षकार के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। समस्त प्रपत्रों को तैयार करना, जमा करवाते हैं, इस संबंध में कानूनी कार्रवाई होती है, उनसे भी प्रपत्रों को तैयार कराते हैं। नए उपक्रमों के लिए मर्चेंट बैंक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करते हैं, ये भी कार्य संपादित करने होते हैं। अगला है विलय एकीकरण और पुनर्संगठन पर सुझाव। मर्चेंट बैंक कंपनियों के विलय एकीकरण और पुनर्संगठन से संबंधित भी सुझाव देता है कि औद्योगिक विवेकीकरण का सुझाव ये दिया जाता है, जिसमें निजी व सार्वजनिक कंपनियों का किस प्रकार से विलय और पुनर्गठन किया जाए। इसलिए किसी भी विशेषज्ञ संस्थाओं के पास ये आवश्यकता रखनी होती है कि योजना और प्रबंध निगम के क्षेत्र में समस्याओं को ध्यान में रखकर लचीला रुख अपनाएं, और मर्चेंट बैंक अपने बहुमूल्य सुझावों में ऐसी समस्याओं को हल करते हैं जो कुछ बड़े कंपनियों के विलय और अधिग्रहण की या विलय और अधिग्रहण में आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। अगला है वित्तीय पूंजी की व्यवस्था, विदेशी पूंजी की व्यवस्था विदेशी पूंजी की वित्तीय व्यवस्था या उसको किस प्रकार से विन्यासित करना है, ये भी कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। मर्चेंट बैंक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में जो भाग लेने वाले विदेशी पूंजी की आवश्यकता जब बढ़ती जाती है, तो विदेशों से पूंजीगत माल व सेवाओं के आयात होने के कारण विभिन्न देशों से निर्यात साख की आवश्यकता पड़ती है। मर्चेंट बैंक संयुक्त उपक्रमों के लिए वित्तीय सहायता, वित्तीय संरचना, वित्तीय संगठन आदि उपलब्ध कराते हैं। मर्चेंट बैंक संयुक्त उपक्रमों के लिए विदेशी बाजार भी तलाश करते हैं। अगला है अनिवासी भारतीयों को विनियोग सेवाएं प्रदान करना, जिसमें इन्वेस्टमेंट सर्विस नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस में भी इसकी भूमिका होती है, क्योंकि मर्चेंट बैंक विशिष्ट विभाग के द्वारा अनिवासी भारतीयों को अपनी पूंजी विनियोग करने के लिए सलाह देते हैं कि कोई भी भारत में संयुक्त उपक्रम लगाना चाहता है तो मर्चेंट बैंक के परियोजनाओं के सुझाव के आधार पर उनको क्रियान्वित आसानी से करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से मर्चेंट बैंकिंग में महत्वपूर्ण रूप से और भी विभिन्न प्रकार के कार्य, जैसे भर्ती करना भी
शामिल है। भर्ती करने के अंतर्गत मर्चेंट बैंक तकनीकी और प्रबंधकीय सेवकीय भर्ती के कार्यक्रम भी करता है और मर्चेंट बैंक के पास विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्र आते हैं और प्रत्येक कार्य विशेषज्ञों की सलाह पर सलाह के आधार पर करना पड़ता है। कार्य के अनुसार ही स्टाफ की भर्ती करनी होती है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, औद्योगिक व तकनीकी सलाहकार है, प्रबंधकीय सलाहकार है, संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करता है और भी अनेक प्रकार के अन्य सम्मिलित हैं। अगला है पट्टा वित्त की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ लीजिंग फाइनेंस से संबंधित भी कार्य भी करता है। मर्चेंट बैंक पट्टा वित्त की व्यवस्था करके पट्टादाता या पट्टेदार लेजर और लेजी की समस्या का समाधान करता है। इस किसी उपक्रम या संपत्ति के दो या दो से अधिक पक्ष लेते हैं जिसके बीच में वित्त व जोखिम उठाने की समस्या रहती है। साधारण तौर से पट्टादाता संपत्ति या उपकरण उपलब्ध करवाता है और पट्टेदार उसका उपयोग करता है। इसके कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे वैधानिक लेखा, राजकोषीय कर, आर्थिक विपणन। मर्चेंट बैंक पट्टा वित्त उपलब्ध करा करके पट्टेदार को किस्त भुगतान करने, प्रीमियम चुकाने और किराया भुगतान करने में भी मदद पहुंचाता है। तो इस प्रकार से मर्चेंट बैंक के सार्वजनिक निर्गमनों का प्रबंध और अन्य कार्यों में ये मुख्यतया शामिल हैं। तो हमने आज मर्चेंट बैंक के अंतर्गत चर्चा की कि किस प्रकार से हमें मर्चेंट बैंकर कार्य संपादित करते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मर्चेंट बैंकरों की क्या आवश्यकता है और क्या इम्पोर्टेंस है, मर्चेंट बैंकरों की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में मर्चेंट बैंक के कार्य के बारे में चर्चा की, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके 20 नंबर में क्वेश्चन आता है। कई बार विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में 20 मार्क्स का क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है। तो मर्चेंट बैंक के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें तो मर्चेंट बैंक के कार्य से संबंधित ही प्रश्न पूछा जाता है। तो ये मर्चेंट बैंक के फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंक के अंतर्गत ये दो प्रकार के कार्य हैं, जिसमें सार्वजनिक निर्गमन और प्रबंध के बारे में बताया मैंने और अन्य कार्य के बारे में चर्चा करी। अब इसी क्रम में हम आगे मर्चेंट बैंक की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किस प्रकार से मर्चेंट बैंक एक सहायक भूमिका है, जिसमें किस प्रकार से वह तीव्र औद्योगीकरण में भूमिका का निर्वहन करता है, किस प्रकार की तकनीकों का या उद्योगों के विकास में इसकी क्या भूमिका रही है, सरकारी नियमों की किस प्रकार से पालना करता है और लघु उद्योगों के विकास में इसकी क्या भूमिका रही है, पिछड़े क्षेत्रों के विकास में मर्चेंट बैंक की क्या अग्रणीय भूमिका रही है, इनके बारे में चर्चा करेंगे और मर्चेंट बैंक के माध्यम से बचतों के बारे में क्या गतिशीलता रही है। तो ये हमें आवश्यकता और उसकी इम्पोर्टेंस है। और इसी क्रम में इस मर्चेंट बैंक की भूमिका के अंतर्गत कि मर्चेंट बैंकर की भूमिका क्या रही है, कि किस प्रकार की योजना है, जिसमें हम पढ़ेंगे एकल खिड़की सेवा योजना, नए निर्गमन, न्यू इश्यूज क्या क्या हैं और प्रक्रिया की पालना किस प्रकार से करनी होती है, कंपनी के मामले, विभिन्न एजेंसियों के मामले, प्रशासनिक कार्यों से संबंधित, विकास एवं विस्तार से संबंधित, आर्थिक स्थिति से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार मर्चेंट बैंकर के संबंध में भी विभिन्न प्रकार के पारदर्शी सिद्धांत क्रियान्वित किए गए हैं। तो आप होमवर्क में या घर पे मर्चेंट बैंक के कार्य जो कि नोट्स के माध्यम से भी हम आपको डिलीवर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो आप मर्चेंट बैंक के कार्यों को गहनता से अध्ययन करें, जिससे एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएगा वो आपका गलत न हो, आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो यूनिट संख्या 4 में मर्चेंट बैंकिंग चैप्टर से संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछा ही जाता है, तो इनको आप अच्छे से गहनता से अध्ययन करें। तो इस प्रकार हम अब शीघ्र ही नए वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कि मर्चेंट बैंक की किस प्रकार से हमें आवश्यकता पड़ी और मर्चेंट बैंक के क्या क्या महत्व हैं। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।